चर्चा की और लोगों से चर्चा की तो लूट की घटना संदिग्ध लगी। फिर इनके दोनों जो फरियादी और उसका हमराही था, इनसे अलग अलग पूछताछ की गई। तो जब वो बारीकी से पूछताछ में मामला संदेहास्पद लगा, इधर उधर कर दिया है और ये झूठी रिपोर्ट अपने चाचा बलराम मोदी, जिससे हमारा 5 बीघा जमीन का झगड़ा चल रहा है, उसको फंसा। दास लोधी ने 4 दिसंबर को धान मंडी से, डबरा मंडी से धान बेचकर 180,000 रुपये लेके निकलना बताया था कि अपने साथी के साथ में, और बताया था कि 4 लोगों ने बीच में उनको रोका और कट्टा अड़ा के पैसे छीन लिए। पुलिस ने जब ये सूचना मिली तो इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा जो देहात देख रहे हैं, और एसडीपी डबरा उमेश गर्ग और टीए राजेंद्र परिहार और थाना डबरा देहात की टीम ये तत्काल मौके पर पहुंची थी और आसपास पूरी घटनास्थल के बारे में जानकारी, घटना के बारे में जानकारी ली थी और सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे। लोगों से पूछने पे भी ये पता लगा कि इस तरह की घटना कुछ इस तरह की सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम था और बड़ा गंभीर अपराध था। इसमें पूछताछ जब अलग अलग इन दोनों से की गई है, जैसे फरियादी उसका साथी था, तो ये फाइनली पर्दा खुलासा हुआ इसमें जब बारीकी से पूछताछ करने में, और ये पूरे के पूरे पैसे फरियादी से ही जब हुए, उसने ट्रैक्टर ट्रॉली के टूल बॉक्स में छुपा के रखे थे, और इस पर से ये पाया गया कि पूरी घटना झूठ थी। और फरियादी ने पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि वो अपने चाचा, जिससे 5 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था, उसको फंसाने के लिए इसने ये लूट का अपराध कायम करवाया था, और उसका बाद में ये था कि वो किसी तरीके से चाचा को बाद में बता के उसमें उस पर केस में उसको फंसवा देगा। तो एक अच्छा काम थाना डबरा देहात की पुलिस ने हमारे एसडीओपी डबरा उमेश गर्ग और एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा के नेतृत्व में किया है। इस टीम को 5,000 का कैश रिवॉर्ड में देंगे, और ये जो कार्रवाई, इन्होंने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया उस पर कार्रवाई कराई।